बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आखिरी चैप्टर के साथ हाजिर हुए हैं आपकी खिदमत में। नाइट्रोजन एंड सल्फर, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ओ लेवल से ही हैं। तो मैं एक सेकेंड बस मुझे दें, मैं फिर आगे स्टार्ट करता हूँ। अच्छा जी, इसमें मेरी गुजारिश आपसे ये होगी कि आप ज़्यादातर इसमें सुनने की बातें ज़्यादा हैं और बताने की काम में सुनना है आपने सिर्फ। सबसे पहले हम स्टार्ट जो करेंगे वो करेंगे नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन और सल्फर दोनों को डिस्कस कर रहे होंगे ना, तो नाइट्रोजन से स्टार्ट करते हैं। तो नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन से ट्रिपल बॉन्ड बनाता है और उसकी बॉन्ड एनर्जी 944 किलो जूल पर मोल है, ठीक है। और ये जो इसके ट्रिपल बॉन्ड है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और ड्यू टू दिस स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग जो मोस्टली नाइट्रोजन के जो काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन जो होती हैं मोस्टली एंडोथर्मिक होती हैं। फॉर एग्जाम्पल द फॉर्मेशन ऑफ NO एंड NO2 इज एंडोथर्मिक, ठीक है। अब आपको पता है कि नाइट्रोजन जो है इट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ पोलूटेंट। तो आप ये कहते हो कि नाइट्रोजन की जो वो है सोर्सेस ऑफ NO एंड NO2 जो है वो क्या है। तो वो सोर्सेस हैं, सबसे पहले व्हेन फ्यूल बर्न्स इन इंटरनल कंबस्टन इंजन इंजन तो N2 प्लस O2 जो है वो 2NO बनाता है। फिर क्या होता है कि जो NO आपका बना है वो बाहर जब निकलता है वो हवा के साथ रिएक्ट करता है और वो 2NO2 बना देता है, तो बन गया ना। और उसके बाद क्या होता है, थर्ड स्टेप ये भी होता है कि जो NO2 आप हवा के साथ रिएक्ट किया है वो पानी वाटर एंड एयर के साथ रिएक्ट करके 2HNO3 बना दे, ठीक हो गया। तो ये इसके सोर्सेज हैं। अब जो है वो NO एंड NO2 इज आल्सो यूज एज कैटलिस्ट। सो आप ये रिएक्शन देखें, NO प्लस हाफ O2 जो है वो NO2 बनाया ना, और NO2 प्लस SO2 रिएक्ट करें तो NO प्लस SO3 बनाया। अब इसमें क्या है कि क्या चीज़ कैटलिस्ट है, तो आप देख सकते हैं कि जो ये NO2 कैंसिल हो जाती है, SO2 प्लस हाफ O2 जो है वो SO3 बनाती है। इसमें मैंने क्या किया, मैंने कहा NO एंड NO आर यूज एज कैटलिस्ट, NO एज कैटलिस्ट, ठीक हुआ, ठीक हो गया। इसी तरह मैं आगे कहता हूँ कि NO2 है और SO2 है और ये NO प्लस SO3 बना रहे हैं, और NO प्लस हाफ O2 जो है वो NO2 बना रहा है। तो इसमें जो आपके पास फाइनल इक्वेशन बनती है वो है SO2 प्लस हाफ O2 SO3। और इसमें क्या चीज़ है एक्ट कर रही है, कैटलिस्ट NO तो कैंसिल हो गए, NO2 तो NO2 एज कैटलिस्ट, ठीक हो गया। इधर बात खत्म हो जाती है, ये है सल्फर की, सॉरी नाइट्रोजन की। और आगे मैं आता हूँ तो मैं बात करता हूँ सल्फर की। और सल्फर की बात ये है कि सल्फर की क्या बात करें समझ ही नहीं आता, तो हम सीधी सा कहते हैं कि सोर्सेज ऑफ सल्फर क्या है। हम कहते हैं कि एनवायरनमेंट में सोर्सेज ऑफ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड की बात कर रहे होंगे ना सल्फर में, वो ये है कि कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स,
फ्यूल्स, ठीक है, फॉसिल फ्यूल में सल्फर होती है विच इज एन इम्प्योरिटी, और वॉल्केनिक इरप्शन जब होती हैं तब भी सल्फर डाइऑक्साइड SO2 रिलीज होती है। और तीसरी चीज जो है वो है बर्निंग ऑफ मेटल सल्फाइड ओर। ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स तब भी आपको पास आ रही होती है, सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होती है। अब आप सल्फर की इतनी बात, सल्फर की बस इतनी बात है, अब हम आगे आते हैं। तो आगे हम एक बड़ा क्रूशल टॉपिक है कैटलेटिक कन्वर्टर, ये भी हम ऑलरेडी ओ लेवल्स में करके आए भी होते हैं, और इधर हम आके दोबारा हमारे एग्जामिनर हमारे सिर पर ये डाल देते हैं। कैटलेटिक कन्वर्टर क्या चीज होती है? आजकल की जो नई गाड़ियां उनमें कैटलेटिक कन्वर्टर आ रहा होता है। ये कैटलेटिक कन्वर्टर की बड़ी सिंपल सी डायग्राम है, मैं सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए ऐसी बना रहा हूँ, असल में ऐसा नहीं होता ये। अब कैटलेटिक कन्वर्टर में होता ये है कि अंदर एलॉयज होते हैं प्लैटिनम के, रोडियम के, पैलेडियम के, ठीक है, और वो एलॉयज जो है सारा काम तो करते ही हो। अब आप देख सकते हैं कि मैं तीन चार डिफरेंट कलर्स को वो कर रहा हूँ इसमें, यही दिखाने के लिए कि इधर कुछ एलॉयज पड़े हुए हैं, ठीक है। आप इधर देख सकते हैं कि ये कोई एलॉयज हैं, तीन डिफरेंट कलर अगर आपको नजर आ रहे हैं, आ रही होंगे। तो अब बात ये है कि इसके अंदर एलॉयज ऑफ प्लैटिनम, रोडियम एंड पैलेडियम होते हैं, लिख देता हूँ, एलॉयज ऑफ प्लैटिनम रोडियम एंड पैलेडियम एंड दीज एलॉयज एक्ट एज कैटलिस्ट, ठीक है। और इस कैटलेटिक कन्वर्टर में होता ही है कि अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड्स ऑक्सीडाइज्ड ऑक्सीडाइज एंड NO एंड NO2 गैसेस आर रिड्यूस्ड। अच्छा जी, आपके पास तीन चीजें आ रही हैं अंदर, और तीन चीजें निकल रही हैं, आपके पास इधर से आ रहे हैं NO NO2, इधर से हाइड्रोकार्बन आ रहे हैं, ये एक्स वाई को मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ, और इधर से कार्बन मोनोऑक्साइड आ रहा है, NO नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो आ रही है ये N2 नाइट्रोजन गैस की तरह निकलती है। हाइड्रोकार्बन जो है ये CO2 प्लस H2O की फॉर्म में निकलती है, और CO जो है ये CO2 की फॉर्म निकलती है। अब होता ये है कि आप इस कैटलेटिक कन्वर्टर के अंदर ये रिएक्शन हो रहा होता है CXY XCO2 Y/2 H2O + Z/2 N2, ठीक है। अब एग्जांपल लें कि CXHY ऑक्टेन है, C8H18, तो आप कहते हो कि C8H18 जो है ये 8CO2, अच्छा रुके, अच्छा चलो, प्लस H2O + N2 और NO, पहले 18 है तो इधर 9 कर दो, ठीक है। अब ऑक्सीजन कितने हो गए, 8 to 16, 16 + 9 कितना हो गया 16, 25, तो 25 ऑक्सीजन है, तो मैं इधर 25 ना लिख दूँ पूरा हो जाएगा मेरे को, इधर 25 है तो इधर भी 25 और 2 हो जाएगा।
Thank you.